हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं, अभी दोपहर हो रही है, यहाँ पे बच्चा पार्टी सो गए हैं, मतलब इवनिंग ही हो रही है। दोपहर तो क्या ही हो रही है, अभी शाम ही होने वाली भी बज रहे हैं 4। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। आज मन कर रहा है चाय पीने का, भाभी का फास्ट है तो हम लोग पियेंगे चाय। अरे ये बच्चा पार्टी, आपने सोस आगे खेल रही है, किसलू ने खा लिया है बनाना। कहाँ है न्यू कार? कहाँ है किसू की? कहाँ न्यू कार? कहाँ है न्यू कार? तो ये चल रहा है गाइस हमारे इधर। आप लोग बताओ, आप लोगों के यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे ये गुड्डा भी आया है यहाँ पे अपनी कैट को लेके। गुड्डा के कैट कहाँ है? गुड्डा कैट कहाँ है गुड्डू की? तो अभी बस ठंड ही हो रही है गाइस, ठंड कम नहीं हो रही है। अभी फैब आने वाला हो रहा है, ठंड वैसे ही पड़ रही है। इतनी ज्यादा धुंध कोहरा गाँव में तो ऐसे ही हो रहा है मौसम। किचुता हेलो, हाय, से हाय, से हाय, से हाय, से हाय गुड्डा, से हाय, से हाय। अबो अबो अपो अपो अपो, गुड्डा ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये हमारी गुड्डा कैट को लेके आ रही। कैट को मुंह में बेटा चबाना चाह रही। मारेगी गुड्डू तू? कैट कहाँ है तेरी? नोज कहाँ है? नोज कहाँ है तेरा? इसका नोज मत बता, अपना नोज बता, अपना नोज बताओ कहाँ है। ये ये गुड्डा, ये टीथ है गुड्डा के। गुड्डा को टीथ बताना बड़ा पसंद है। और हेयर कहाँ है गुड्डू के? ए ये हेयर है गुड्डा के। कैप कहाँ है गुड्डू की? ए और गुड्डा का स्वेटर कौन सा है? वाह गुड्डू, वेरी प्रिटी। गुड्डा का स्वेटर तो बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते हो ना तो एक खुश हो जाते हैं बच्चे, इनको बड़ा पता लगता है। अच्छा क्या हो बेबी? आज 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 आज। और गुड्डा के सॉक्स कहाँ है? सॉक्स बता दो अपने। ये और शूज कहाँ गए? शूज कहाँ गए गुड्डू? शूज कहाँ गए? गए शूज? क्या खाया गुड्डू ने? बनाना? क्या खाया? बाजा बनाना। गाइस गुड्डू थोड़ा बोलती है पर सारे वर्ड बोल जाते हैं, ये खुद से इसको बड़ा है। बाजा किशु ने क्या खाया बेबी? हमारा किशु ने भी पहली बार बनाना खाया। अच्छा लगा बनाना? ये खाता नहीं है दवाई, जो बनाना खाया तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ तो फ्रूट खाए। हाँ वैसे जूस तो पीता है, फ्रूट्स कम खाता है थोड़े। तो चलो अच्छी बात है, इसने एक दो बार बनाना भी खाया है तो बनाना भी खा लेगा। क्या खाया गुड्डू ने? मखाने कब खाया गुड्डा ने? ए बेबी नो गुड्डा, नो नो। किशु भैया है ना अपना? किशु भैया है ना? नो 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 नो। किकी किकी नो, पिट्टी करूंगी मैं। ऐसे नहीं मारते अपने भाई को। नो नो किशु का, नो नो। मामू ने क्या बोला है गुड्डा? मामू ने क्या बोला है? नो नो। मामू ने क्या बोला था किशु? क्या बोला था मामू ने? क्या बोला था गुड्डू मामू ने? गुड्डू हमारे कभी कभार ये बदमाशी करती है, कभी कभार वो करता है। गाइस ये चलता रहता है हमारा। तो गाइज आप लोगों के इतने ज्यादा सवाल थे कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती, मैं ससुराल क्यों नहीं जाती। तो चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, आप लोगों के मैं ससुराल जाऊंगी जल्दी, क्योंकि ससुराल में मेरे दो तीन लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो बच्चों को संभालने में भी दिक्कत होती है वहाँ पे थोड़ी। और घर का यहाँ पे जैसे हमारे गाय भैंस है तो दूध वूध मिल जाता है, वहाँ पे हमें लेके आना पड़ता है। तो एक तो ये वाला रीजन है सबसे बड़ा कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही। और वहां पे भी मेरे को बच्चों को ही संभालना है, इधर भी मेरे को बच्चों को ही संभालना है, तो वहां रहूं या यहाँ रहूं क्या फर्क पड़ता है गाइज? आप लोग कमेंट पे कमेंट करे जा रहे थे तो मैंने सोचा आज आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि दो दो बच्चे हैं यहाँ पे तो सब लोग हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, और दूध भी गायों का दूध भी अच्छा घर का मिल जाता है। तो ये वाली बात है गाइज, अदरवाइज तो मैं कहीं भी रहूँ क्या ही फर्क पड़ता है, ससुराल रहूँ यहाँ, ये भी मेरा घर ही है वो भी मेरा घर है। तो ये बात है। तो गाइज ये वाला है रीजन, इस वजह से मैं मतलब थोड़े दिनों के लिए यहीं हूँ, क्योंकि ठंड है, ठंड में इतना। वैसे ही मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब, मेरी सासू मम की थोड़ी तबीयत खराब है, उनके थोड़ा पेन हो रहा है हाथ में, थोड़ा उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं वो, तो मैं सोच रही हूँ वो खुद ठीक हो जाए अच्छे से, उसके बाद जाना ही है, उधर ही रहना है फिर। ये बात है गाइज, इस वजह से मैं नहीं जा रही ससुराल, इधर ही हूँ। बाकी अभी थोड़ी ठंड कम हो जाए उसके बाद चलते हैं, क्योंकि ठंड में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, बच्चों के इतने सारे काम रहते हैं ठंडी के,
गर्मी में इतना नहीं हो पाता, इतना मतलब मैनेज हो जाता है। और सर्दी में वैसे मम्मी की तबीयत खराब है तो वहाँ पे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, पापा जी हैं तो आप लोगों को पता ही है जेंट्स लोग से इतना मतलब मम्मी को फिर खाना भी बनाना, फिर मैं अगर खाना बनाऊँ तो मम्मी को बच्चों को दो दो को कैसे रखें, ये वाली बात है गाइज। इस वजह से हम मैं नहीं जा रही अभी थोड़े दिन के लिए, अभी मैं जाऊँगी जल्दी ससुराल, क्योंकि ससुराल ही अपना घर है भाई, वहीं पे चलेगा, यहीं पे मायके में कितने दिन चल जाएगा। ये तो सब लोग हैं, भाभी भी आए हुए थे तो मैंने सोचा रह जाते हैं यहाँ पे, ठंडी में भी बच्चों का खाने पीने का भी अच्छा चल रहा है, गाय दूध का बच्चों का रहता है स्पेशली, कि बच्चों को अच्छा दूध मिल जाए वो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे अच्छा दूध मिल जाता है बच्चों का, हमारे है गिर गाय तो बच्चों का स्पेशली दूध गाय वाला रीजन है, और हमारे मतलब घर का ही मिल जाता है सब कुछ खाना पीना, तो इस वजह से हमारा बच्चा हाय कर रहा है। अरे बड़े शाना बेबी मेरा, तू नोनू बेबी से हाय किसु, सबको ऐसे किसी कर दो, फ्लाइंग किस दे दो सबको, सबको दे दो ना, कैसे करता है किसु, कैसे करता है फ्लाइंग किस, कैसे करता है, करो 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 ना। तो गाइस हमारा किसु कभी कभी बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, ये अपने पापा की तरह, ये हमारा बेबी, हमारे गुड्डा तो बोलते रहते हैं मेरी तरह, थोड़ा कम ही बोलता है। पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा से कैसे बात करता है किशु, पापा हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी उधर बोल रही है पापा पापा, जब पता लगता है इनको फोन आया अपने पापा का तो बड़ा जल्दी से फटाक से बात करते हैं। गुड्डा आजा पापा से बात कराऊ, कम कम गुड्डू एक ही की। तो ये हमारा ये चल रहा है गाइस। अरे किशु मेरे टमी में दर्द हो जाएगा बेबी, ऐसे पिट्टा कर रहा है तू मम्मा के, उछल कूद रहा है मम्मा पे, गुस्सा बहुत आता है हमारे किशु का, हमारे किसली का देखो गाइस इतना गुस्सा आता है, ऐसे दांत बंद करके इतना गुस्सा कर रहा है। हम किशु को ब्रश करवाते थे, थोड़े दांत भी ठीक है इसके, अभी बिस्किट हाँ मन बिस्किट ले दे, फ्रिज में नहीं दिखा शायद ना, कुकीज ना बिस्किट। तो हमारी बन गई है गाइस अभी चाय, तो हम लोग चाय इंजॉय करते हैं, आप लोग इतनी देर में मिलते हैं आप लोगों से चाय के साथ। बच्चा पार्टी ने कुछ खा लिया था, अभी इनको खाने की जरूरत नहीं है, बनाना मिलाई है चाय। गुड्डा दूध नहीं है तेरा, दूध नहीं है, हमारी चाय आई है, चाय पियेंगे आज। ताय 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 क्या खाएगा किसु चाय के साथ, क्या खाएगी किसली, मामी क्या ला रही, कुकी कुकी ला रही गुड्डा के लिए, गुड्डा के लिए कुकीज ला रही मामी। तो गाइस मैं अदरवाइज तो चाय पीती नहीं हूँ, पीती हूँ तो मैं खूब सारी पीती हूँ, अच्छे से पीती हूँ, आज भी हमें भी खिलाया। अरे कुकी कुकी ला रहे मामी, मामी कुकी ला रहे, किसु कुकी लाई, गुड्डा के लिए किसु के लिए कुकीज लाई है, कुकीज। अरे और ये शैतान बच्ची हमारे बिस्किट खाते हुए कोने में घुस के सबसे लड़ के अलग बैठ के बिस्किट खा रही है, किकू तो शर्मा हो रही है ऊपर से, इसको बताए मेरा वीडियो बन रहा है, ये लड़की अभी से होशियार होगी, सब पता चलता है इनको। मैं वीडियो बना रही थी थोड़ी देर पहले, किसु मतलब हाय कर रहे हो पूरे वीडियो के अंदर, किका क्या खा रही है तू, क्या खा रही है किकू, कुकी खा रही है कि क्या खा रही है गुड्डा, पता क्या खा रही है, खाने में बिजी हूँ बता नहीं पा रही अभी, क्या खा रहा किसु, किकू गिर जाएगी गुड्डा ऐसे आएगी तो, क्या आधी बार तो खड़ी हो जा, भीड़ा है अब इन पत्तों चल को जा, अब उस कोने में जाके खाएगी क्या कीकू, कीकू कोने में करती है सारे काम। गुड्डा नाइनाई किसने कराई आज दो दिन से, नाइनाई कौन करा रहा है गुड्डू, मामी करा रही है दो दिन से नाइनाई तेरी, कराई दो दिन से, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इन लोगों का, ये पता नहीं अपनी मामी और नानी के भरोसे चल रहे इनका काम, मैं दो दिन से फरमा रही हूँ गुड नाइट, गुड नाइट मामी, ऐसे बोलो गुड्डू गुड नाइट, कैसे कैसे आ रहा है मेरे गुड्डा को, थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा पर ये ट्राई कर रही है, पूरा बोल रही है, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, अभी शर्मा तुम किशो, गुड नाइट, मोड़िया है बात, मोड़िया।